अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज पुरानी हवेली साउथ जोन डीसीपी ऑफिस पर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मजहबी रहनुमा, उलमा, मशायखीन के अलावा डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतनिया, एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर और दीगर आला अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से अक्टूबर की पहली तारीख को मिलाद जुलूस के इनेकाद के फैसले का खैर मकदम किया और पुरअमन जुलूस में इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। देखते हैं ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हैदराबाद। आज पुरानी हवेली में साउथ जोन डीसीपी के ऑफिस में एक मुलाकात हुई है, बैठक हुई है मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के मेम्बरान, अहदेदार, बुज़ुर्ग और दूसरे मुआज़िज़ उलेमा उसमें हाजिर हुए हैं। वो ये जो मिलाद का जुलूस हो या गणेश का जुलूस एक ही दिन आने का जो हुआ है 35 साल के बाद, तो थोड़े दिन पहले ये जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने एक फ़ैसला लिया था कि इसको मुतल्लिफ़ किया जाए, कि अक्टूबर 1 को इसको किया जाए, तो उसके लिए हम परमिशन भी दे दिए हैं। और ये आज के दिन ये ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे इसके इंतज़ाम करें, तो मैं अपने तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट हो या हुकूमत की तरफ से, मैं हमारे ये फ़ैसला जो है उसका पूरी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ सभी का, मुस्लिम भाइयों बहनों का, कि इतना बड़ा फ़ैसला जो आपने लिया है अपने मुल्क के लिए ही एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन के रह जाएगा। सब लोग इसको देखकर, ये हैदराबाद शहर का जो, ये रियासत का भी जो तहजीब है यहाँ का, गंगा जमुनी तहजीब जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, यहाँ का फ़िज़ा जो है उसको बनाए रखने के लिए क्या यहाँ के लोग करते हैं, आवाम कैसे मिलजुल कर रहती है, इसका मिसाल ये बनकर रह गया है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि इस मिसाल को आगे लेकर चलें और सब लोग, अभी अफसरान सब लोग दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, गणेश पंडाल्स के आजू बाजू जो इंतज़ाम हैं, जो इमर्शन के लिए जुलूस जाता है रोज़ भर, उसके इंतज़ाम जो हैं, और जो लेक्स के आजू बाजू हुसैन सागर हो, दूसरे जो हैं वहाँ पर जो इंतज़ाम हैं, वो सभी का की निगरानी हम कर रहे हैं, और पूरे GHMC हो या दूसरे गवर्नमेंट के, हुकूमत के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी लोग इसमें मौजूद हैं, सब लोग आपका ताउन इसमें मानते हैं, और जो फैसला आज लिया गया है और जो इंतज़ाम हम कर रहे हैं, वो सभी लोग इसको देखें, इसको मिसाल के तौर पर लें, और आगे चलकर जो भी इंतज़ाम इसके लिए करना है, जो पहली तारीख को, अक्टूबर के पहली तारीख को जो जुलूस निकलता है, उसके लिए हम पूरी तरीके से इंतज़ाम फिर से, ये गणेश का जुलूस जो है 28 को हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे, और जब तक भी सब लोग जो पीस कमेटी के मेम्बरान हैं, जो हमारे साथ पुलिस स्टेशन में हमारे ऑफिसर्स के साथ रहते हैं, और नौजवान जो हैं, उनको मैं सब अपील करता हूँ कि को बनाए रखें, सब लोग समझें क्या बात है, और अपने आप पर ज़रा कंट्रोल रखें, और सबसे मैं अपील करता हूं कि पुलिस का साथ दें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। तो इस मौके पर मैं सबको, अपना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पेश करना चाहता हूं। सर, यूनिवर्सिटी में सर डेकोरेशन को लेकर थोड़ा पब्लिक में कन्फ्यूजन पड़ रहा है, डेकोरेशन करने की इजाज़त है पुलिस ऐसा, वो ऑफ कर।
नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही इजाज़त दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।